हाय डियर फ्रेंड, आरआरबी जेई 2019 के जनरल साइंस का बायोलॉजी का पार्ट आठ देख रहे हैं, एटवा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें आप सभी ने सात पार्ट वीडियो देख लिए। अभी ये एट पार्ट का वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे ये वीडियो देखते जाइए ताकि आपका जो जनरल साइंस से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आपका बेटर हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर एज ए यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर जिसको, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ऑप्शन दिया ए, पी का ए बी, सी का बी एंड डी का ओ दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका डी है, ओ। ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ द क्यूनाइन प्लांट इज कॉमनली यूज ड्रग फॉर मलेरिया? लीव्स है, फ्रूट्स है, रूट है, स्टेम बार्क है? तो क्वेश्चन नंबर टू का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टेम बार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज अकर्स व्हेन द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है, मैरस्मस, मैरस्मस। ओके, मैरस्मस इज द राइट आंसर, मैरस्मस इज द राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन द एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कोल गैस इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कैन किल ए पेशेंट? तो इसका जो करेक्ट पहले तो ऑप्शन देख लेते, द कंपाउंड कार्बन हीमोग्लोबिन COHB, इट फॉर्म्स विथ हीमोग्लोबिन, कैन ग्रेजुअली क्लॉट द ब्लड रिजल्टिंग इन सर्कुलेटरी फेलियर। बी है COHB, रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बाई रपचरिंग अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। सी है COHB इज ए स्टेबल कंपाउंड एंड दस डिप्राइव ब्लड ऑफ इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। डी COHB ग्रेटली मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन दस मेकिंग इट लॉस इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है उसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, COHB स्टेबल कंपाउंड एंड दस डिप्राइव ब्लड ऑफ इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ओके, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं, इन हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन विल लॉस देयर कॉन्शियसनेस इफ ब्लड विल स्टॉप फ्लोइंग टू द ब्रेन? इन हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन विल लॉस देयर कॉन्शियसनेस इफ ब्लड विल स्टॉप फ्लोइंग टू द ब्रेन? तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन क्या दिया हो, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड, 5 मिनट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, हाउ मैनी बोन्स कंप्राइज द एडल्ट ह्यूमन स्केल्टन? कितने बोन्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, ऑप्शन दिया 204 बोन्स, 206 बोन्स, 208 बोन्स, 214 बोन्स। तो करेक्ट ऑप्शन है सी का, बी, 206 बोन्स होते हैं। ओके, एंड जो जन्मे हुए बच्चे होते हैं उनमें 300 बोन्स पाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जो नवजात शिशु होते हैं, जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं एकदम, तो उनके जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, 300 होते हैं। ठीक है, याद रखना। और धीरे धीरे जैसे एडल्ट हो जाते हैं तो उनका 206 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द सल्फर सावर? ठीक है, सल्फर सावर से रिलेटेड स्टेटमेंट हैं। तो सल्फर सावर से रिलेटेड स्टेटमेंट देख लेते हैं, डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ करस क्रोकस एलो कैस्कर जिसको बोला जाता है पोलन गैंस इन टू द एयर। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पाइनस पोलन ग्रैंस इन टू द एयर फॉर्मिंग एलोविस क्लाउड, एंड सी रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर पार्टिकल्स इन टू द एयर फ्रॉम फैक्ट्राइज प्रोसेसिंग सल्फर, एंड डी है रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर पार्टिकल्स इन टू द एयर नियर सरप्लस माइंस। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पाइनस पोलन ग्रेन्स इन टू द एयर फॉर्मिंग एलोइस क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर एट, इन अ गिवन आइटम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्टेंस एंड द अदर लेबल एज ए रीजन। मतलब पहला आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, असर्टेंस है, और दूसरा उसका रीजन है, तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो पहला दिया है, पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप, और दूसरा दे आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखिए, पहला दिया है जो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि ये सीरीज में दिया रहेगा, ऐसे चार पांच क्वेश्चन होंगे तो एक ये एक्सप्लेनेशन दे दिया होगा कि कोड इस तरीके से करना है। तो पहला जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू होते हैं, और सेकंड वन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट या रीजन, ठीक है। दूसरे में दोनों राइट होते हैं लेकिन जो सेकेंड है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। सी जो होता है उसमें फर्स्ट राइट है और सेकेंड रॉन्ग है, डी जो है वो फर्स्ट रॉन्ग है और सेकेंड राइट है, तो ऐसे ऑप्शंस में देते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चंस था इसमें, जो क्वेश्चन नंबर एट था इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, मतलब कि जो एक ए बी ब्लड ग्रुप का एक पर्सन है जो एक्सेप्ट करता है ब्लड ग्रुप ऑफ एनी ब्लड ग्रुप, किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप को वो एक्सेप्ट कर लेता है ए बी ग्रुप का, और रीजन बोला है कि दे आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है इसीलिए ये मतलब ए बी जो ग्रुप का ब्लड है वो किसी को भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं, इन द गिवन आइटम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, जैसा कि पहले आपने देखा सेम है, तो पहला ऐसा टेंस देख लेते हैं, सेचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अनसेचुरेटेड फैट। रीजन दिया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैट्स हैव डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मतलब पहला वाला जो है क्या है वो रॉन्ग है और सेकेंड वन इज द राइट है, मतलब सेचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव नहीं होता है कंपेयर टू अनसेचुरेटेड फैट, लेकिन ये राइट है। रीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैट हैव डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं, इन द गिवन आइटम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, सेम वही है जिसमें पहला सेंटेंस देख लेते हैं, द सन्स ऑफ कलर ब्लाइंड वुमन आर ऑलवेज कलर ब्लाइंडेड बट नॉट द डॉटर्स, मतलब कह रहा है कि जो लड़का है वो कलर ब्लाइंडनेस है, द कलर ब्लाइंडनेस वुमेन्स ऑफ सन्स आर ऑलवेज कलर ब्लाइंडेड बट नॉट द डॉटर, मतलब उसकी लड़की का कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, लड़के का होगा ऐसा इसने बोला है। तो रीजन क्या दिया, कलर ब्लाइंडनेस इन अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड सच कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम वन मदर टू सन वनली, फ्रॉम मदर टू सन वनली, सन वनली के लिए होता है ऐसा इसने रीजन दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी है, कि दोनों राइट हैं बट ये करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, बी मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब सन ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस वोमेन आर ऑलवेज कलर ब्लाइंडनेस बट नॉट द डॉटर, तो यहाँ पे उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों राइट हैं ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, ये वीडियो बायोलॉजी के 8वां था, ठीक है। इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे आप देखते रहिए कि ताकि आपका बायोलॉजी का जो भी फंडा है वो आपका क्लियर हो सके, तो रेगुलर बेसिस पे आपको देखते जाइए कि ताकि इसका रिलेटेड जो वीडियो है वो आप तक पहुँचे, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।